अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सहयोग आप तो बता दे ये लड़की कौन है? सच में आजकल कौन किसके बारे में अच्छा सोचता है? हाँ हाँ बता, हमें भी तो पता चले। बताना यू, हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर वो है कौन। ये बताऊंगा नहीं, आप सबको सीधे मिलवाऊंगा उससे। बहुरिया के हाथ में मेहंदी कितनी अच्छी से रची है। हेलो हेलो माई, मुझे तुमसे अभी मिलना है। अभी क्यों? अभी हम नहीं आ सकते हैं। बाहर नहीं आ सकती? पर क्यों नहीं आ सकती, मुझे अभी तुमसे मिलना है माई। देखिए घर में त्योहार का माहौल है और सब लोग करवा चौथ के लिए मेहंदी लगा रहे हैं। पर तुम करवा चौथ का व्रत क्यों रखोगी? तुम शादीशुदा हो क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम शादीशुदा नहीं है। वो क्या है ना कि हमारी भी तो कभी ना कभी शादी होगी ना, तो हम उसके लिए अभी से रख रहे हैं। अजीब हो। अजीब क्या है, हमारी नानी कहती थी कि हर एक कुमारी लड़कियों को ना शादी के पहले से ही उसके होने वाले पति के लिए सारे रस्म करनी चाहिए। तुम्हारा पति जो भी होगा ना खुश नसीब होगा। पर माई मुझे तुमसे जल्द से जल्द मिलना है। अच्छा हम आपसे बाद में बात करते हैं, अभी हमें जाना है। ठीक है। आ जाओ, हमें भी मेहंदी लगवानी है। तुम्हें मेहंदी लगाने की क्या जरूरत है माही? अरे कुंवारी लड़कियां भी मेहंदी लगाती है। मेहंदी मैं लगवाऊंगी। ठीक है दीदी, पहले आप लगवा लीजिए। नव्या बेटा ये क्या बात है अब? आप ऐसे क्यों बोल रही मम्मा? मैं शादीशुदा हूँ, मुझे मेहंदी लगवानी है और मैं कल व्रत भी रहने वाली हूँ। अच्छे से लगाइएगा और युग का नाम जरूर लिखिएगा। वो तो हम वैसे भी लिखते हैं, हमेशा हम ही तो लगाते हैं आपको मेहंदी। हे काना। दादी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो तुमने क्या किया। थोड़ा ध्यान देना चाहिए था ना माही, हमने नव्या की मेहंदी बिगाड़ दी। माफ करिएगा दीदी, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुमने जानबूझकर ही किया है। हम तो बस दादी को बचाने आए थे। सच सच कहो, तुम जलती हो मुझसे। नव्या बेटा ये तो मुझे बचाने के लिए आई थी। नहीं दादी, आप नहीं जानती इसे, ये बहुत स्मार्ट है। नहीं नव्या ऐसा नहीं है। आप लोग हमेशा इसका साइड क्यों लेते हैं? हमेशा इसको फेवर करते हैं सब लोग। कोई छोटी बच्ची है क्या? सिंपल सी बात है, मैंने इसे मेहंदी लगाने नहीं दी इसलिए इसने मुझसे बदला लिया है। अरे ये क्या रवैया है। चल बेटा तू मेहंदी लगा ले, आजा।
एक्सक्यूज मी, यस मैम, एक्चुअली मेरी चाबी कहीं खो गई है और रात भी काफी हुई है, तो क्या प्लीज आप मुझे हेल्प करोगे दरवाजा खोलने में? ओके मैम, थैंक यू. मैम हो गया. थैंक यू. सुनिए, ये आप रख लीजिए. थैंक यू मैम. करवा चौथ है शुभ, शगुन वहां तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाएगी, पर तुम्हारे हाथ में सिर्फ काजल का नाम होगा. अब मैं भी देखती हूँ तुम उसके पास कैसे जाती हो. हे भगवान, आप तो जानते ही हैं कि हमारी शादी कितनी मुश्किलों के दौर से गुजरी है, और ऐसे में आज के दिन आप शुभ सर को मेरे पास भेज रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ. और मैं वादा करती हूँ आपसे कि ये व्रत मैं सच्चे दिल से रखूँगी, क्योंकि ये व्रत सिर्फ मेरे एक व्रत नहीं बल्कि एक विश्वास भी है. ये व्रत एक पति और पत्नी को एक अटूट बंधन में बांधे रखता है. और मैं आपसे बस विनती करती हूँ कि आप मुझे और शुभ सर को इस अटूट बंधन में हमेशा बांधे रखना और मेरे सुहाग की हमेशा रक्षा करना. दादी जीती रहो, सदा सुहागन रहो. दूधो नाव पूतो फलो. पूजा की तैयारियां करें चलो. शगुन, क्या बात है? क्या बात है मतलब? आप अभी तक सो रहे हैं, उठे नहीं है. अरे
जल्दी उठिए ना। घर कब आएंगे आप? अरे सुबह सुबह डांट क्यों रहे? पहले मुझे मेरे चांद को करवा चौथ तो विश कर लेने दो। अच्छा हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। अब जल्दी उठिए ना, जल्दी आइए। हाँ हाँ मैं वादा करता हूँ कि चांद निकलने से पहले अपने चांद के पास पहुँच जाऊंगा। आपको पता है मेहंदी का रंग ना बहुत ही गहरा चढ़ा है। गुड। और इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। फिर तो सच बात है, क्योंकि मुझसे ज्यादा प्यार तुमसे कोई नहीं कर सकता। चलो जल्दी से फोन काटो और वीडियो कॉल पे आओ। मुझे मेरे चांद और उसके हाथों की मेहंदी को देखना है। बिल्कुल नहीं, अगर आपको मुझे देखना है, मेरी मेहंदी को देखना है तो जल्दी आ जाइए, क्योंकि आपकी पत्नी और आपके नाम की मेहंदी आपका वेट कर रही है। ठीक है, और आज तुम्हारा व्रत है, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, बाय। ये देखिए मैंने आपके लिए मेहंदी लगाई है, आपकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए फास्ट भी रखा है। वाओ जान, मेरी जिंदगी ये सब की जरूरत क्या थी? आप हमसे दूर हैं, काफी दूर हैं। आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक, अच्छे से फास्टिंग भी करूंगी और अपना ध्यान भी रखूंगी। सुना मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बहुत ज्यादा। और फिर ये सब रीति रिवाज हैं, प्यार को मापने का पैमाना थोड़ी है। आप मानो या ना मानो, लेकिन भगवान के भरोसे पर दुनिया चल रही है। और फिर हाल ही में आपके साथ जो चीजें हुई, मैं उसको लेकर काफी परेशान थी, इसलिए सोचा इंडियन तरीके से आपकी अच्छी सेहत के लिए दुआ मांगूंगी तो शायद असर हो जाए। तुम्हारी यही बातें जो हैं तुमको सबसे अलग बनाती है, इसीलिए तो मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। मैं जल्दी आती हूँ, अब मुझसे रुका नहीं जाता। ये क्या तरीका है अशोक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या हरकत है? तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से तंग आ गया हूं मैं। ओवर एक्टिंग मत करो अशोक। ये अशोक सोना के कमरे में क्या कर रहा है? और उसे चाची ना बुला के काजल क्यों बुला रहा है? ये तो बस एक मजाक था। ये मजाक है? ये मजाक है? आज हम घर जाने वाले थे। अरे शगुन ये देखेगी तो क्या जवाब दूंगा मैं? मुझे माफ कर दो शुभ, मैं नहीं जानती थी कि मेरा एक छोटा सा मजाक तुम्हें इतना परेशान करेगा। अगर तुम्हें मुझे सजा देनी है ना, तो एक काम करो, तुम अपना नाम मेरे हाथ पे लिख दो। ये नाटक ना बंद करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं शगुन को क्या जवाब दूंगा। परेशान मत, दूर रहो मुझसे। ये वैसे कितने दिन में चला जाएगा? अब क्या करोगे शो, कैसे जाओगे शगुन के पास? ये लीजिए भाभी। अरे वाह, तुम लोगों को इस तरह से काम करते हुए देखकर हमारा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम दोनों का व्रत और तुम्हारी मनोकामना दोनों पूरी हो। लल्ला का फोन है। ठीक है। हेलो शुभ सर, सारी तैयारियां पूरी होने वाली है, आप कब तक आएंगे? शुभ सर सब ठीक है ना? शगुन मुझे तुमसे कुछ कहना है। शगुन मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है, मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ आप मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं ना, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। नहीं शगुन, मैं सच कह रहा हूँ,
को ना झूठ भी नहीं बोलना आता अच्छे से। शगुन मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है शुभ सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझ सकती हूँ, काम भी जरूरी है। आप हम एक काम करते हैं ना, रात को जब चांद निकलने का वक्त होगा ना, तब हम वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे। आप अपना काम पे ध्यान दीजिए। ठीक है। ओके बाय बाय। क्या हुआ, हमारी बहुरिया का चेहरा मुरझा क्यों गया है? लल्ला नहीं आ रहा, तो क्या हुआ? कोई बात नहीं बेटा, ऐसे जी छोटा नहीं करते। हाँ दादी, मैं समझ सकती हूँ, काम भी तो जरूरी है ना। जरूर उस काजल का किया था वह, वरना भैया भाभी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब भाभी भैया व्यस्त है ना, तो आप एक काम क्यों नहीं करती हैं, आप भैया के पास चले जाइए। माही बिटिया ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। हाँ बहुरिया, तुम वहां जा सकती हो। पर दादी मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं, अरे वो नहीं आ सकता तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। नई नई शादी है, अगर तुम तुम्हारी शादी का ख्याल नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? वैसे भी भाभी आपका ये पहला करवा चौथ है, आपको तो जाना ही चाहिए। हाँ दादी, पर यहाँ पे सब यहाँ की चिंता तुम मत करो, हम है ना सब संभाल लेंगे, जल्दी से तुम जाओ। ठीक है दादी, शुभ सर को अच्छा तो लगेगा ना। अरे वो तो बहुत खुश हो जाएगा बेटा। ठीक है दादी, जाओ संभल के जाना। नव्या तुम मुझे बार बार फोन करके परेशान क्यों कर रही हो? कैसे पति हो तुम, आज करवा चौथ है और तुम अपनी पत्नी पर गुस्सा कर रहे हो। करवा चौथ है तो मैं क्या करूँ, आरती उतारूँ तुम्हारी? नहीं वो मेरा काम है, मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। व्रत रखा है? इतना शौक होने वाली कौन सी बात है। हाँ व्रत रखा है, बस तुम टाइम से पहले पहुंच जाना प्लीज। देखो नव्या, बनावटी फूल और बनावटी रिश्ते महकते नहीं है, और फिर ऐसा करके अपना मजाक मत बनवाओ। मैं सब मजाक क्यों लग रहा है? जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा? ठीक है तो तुम कान खोल कर सुन लो, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं एक निवाला तक नहीं खाऊंगी, फिर देख लेना जो होगा। तुम्हें जो करना है वो करो, मैं नहीं आऊंगा। क्या बात है काकू, इस नव्या के चक्कर में मैं ऐसे दलदल में फंसता जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरे लिए बाहर निकलना नामुमकिन हो रहा है। अरे लेकिन हुआ क्या है, ऐसे गंदे खेल खेल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अब इसने करवा चौथ का व्रत रख लिया है मेरे लिए ना? और मुझे मजबूर कर रही है अपने घर आने पे। जहाँ तक मैंने नव्या को परखा है उसे सिर्फ अपने फायदे पसंद है। सच में युग हमें उसके तमाशे को रोकना होगा। हाँ युग, तुम सीधे जाकर कनिका जी से बात करो। हाँ बेटा, आप दोनों सही कह रहे हैं, नव्या तो मान नहीं रही है, उसकी माँ से जाके बात करता हूँ, क्या पता वो मान जाए, वरना ऐसे तो ये मुझे जीने नहीं देगी। ऐसा मत बोल, सब ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ चिंता मत कर। हमारी लास्ट मीटिंग तो मिस कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, ये पेपर्स लो और अच्छे से चेक कर, मतलब हम इसे सबमिट कर सकते हैं। देख लेता हूँ।
अशोक, कोई प्रॉब्लम है? मुझे कम से कम बता दो ना क्या हो रहा है, मतलब मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हल्का सा दर्द है, आराम करूंगा, ठीक हो जाएगा। ला मैं सर तब। नहीं, तुम इतना हल्के में नहीं ले सकते। सर दर्द है तो दवाई ले लो। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं, जब मुझे लगेगा सीरियस है मैं दवा ले लूंगा। तुम हमेशा से इतना जिद्दी क्यों हो अशोक? मुझे फाइल्स पढ़ने दो। इसीलिए तो कह रही हूँ, तुम मुझे सर दबाने दो या फिर दवा ले लो। ठीक है, दो। कोई नहीं रोक सकता।